وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين

उसी गुफ्तु की तकमील इनशा आज की इस नशस्त में की जाएगी उस मौके पर यह बात आई थी कि इख्तलाफ होना इलमी मसाइल में अख्तिलाफ होना कोई तजुब की चीज़ नहीं है अलबत् इलाफी मसाइल में सख्ती दिखलाना और अख्तलाफी मसाइल में जिससे हमारा इख्तलाफ हो कदारशी करना उसकी शख्सियत को मजरू करना ये सही चीज़ नहीं है इख्लाफ जब हो तो उस उसफ को बरतने के लिए शाइस्ता अंदाज अख्तियार करना चाहिए अच्छे अंदाज में गुफ्तु करनी चाहिए चाहे अख्तिलाफ कितना भी बड़ा हो कुरान में हमें जो तालीम दी गई है इस सिलसिले में उस पर हम गौर करें कि अहले किताब यानी यहूदो नसारा से भी बहस वबासा करना हो तो उसका भी तरीक़ा बतलाया गया है अल्लाह फरमाता है कि वाला अहले दिलू अहल किताब अल्ला बिल्लतीसन अहल किताब से भी मत मुबाहसा करो मत बहसो मुबाहसा करो मगर अहसन तरीके से अच्छे तरीके से भले तरीके से उनसे भी सवाल जवाब हो उनसे भी बहसो तकरार हो तो भले तरीके से होना चाहिए दूसरी जगह फरमाए कि वजह दिल हम बिल्लती है उनसे भलाई के साथ भले तरीके से मुजादला या बहसो मुबासा करो और इसकी मेरे भाइयों इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है कि जब अल्लाह ताला ने फिरौन के पास मूसा और हारून आसलम को भेजा तो कहा कि फ़कोला लहू फ़ौल्लई नन करो यो फ़िरौन से नरम बात करो फ़कोला लहू फ़ौल फिरौन जो अना रब का नारा लगाता था और फिरौन जिसका जुल्म और बरबरीत आज भी मिसाल में पेश किया जाता है जिसको तो उस फिरौन से उस अल्लाह के बागी से कहा गया कि नर्म बात कर। इसलिए लाल ये य करो यक्ष हो सकता है कि वो नसीहत पकड़े हो सकता है कि उसके अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए सख्ती से बात की जाएगी तो सामने वाला अड़ जाता है हमारे यहाँ तो यहाँ तक हमें तंबी की गई है कि वाला तसुब्बुल्दीन कि जो लोग गैर-अल्लाह को पुकारते हैं उनको भी बुरा भला मत कहो उनको गाली गलोच मत दो वरना वो अल्लाह को गाली गलोच करेंगे अल्लाह के साथ और ज्यादती करेंगे और नादानी का ही काम करेंगे यहाँ तो ये यह तंबी है कि वला न शनाअन कौमिन अला अल्लाह तादिलु किसी कौम की दुश्मनी तुमको ना इंसाफ़ी पर ना उगारे अगर हमारे किसी से हमारी दुश्मनी है इख्तलाफ है तो भी इंसाफ का दामन नहीं छोड़ना चाहिए ऐसा नहीं कि दुश्मन है तो उसके साथ ना इंसाफी बरतती जाए दुश्मन है तो उसके साथ इस्लाम की तालीमत पर अमल ना किया जाए ऐसा नहीं है एक आयत में कहा गया कुल्लू लिन्ना से खुशना लोगों से अच्छी बात कहो कुलना तमाम लोगों से अच्छी बात कहो अच्छे अंदाज में बात करो तमाम कुर्तबी रमत कहते हैं कि ये आयत सब के लिए है। लिन्नास कहा गया कि सुन्नी से बिदगी से मुआफ़ से मुखालिफ से हती की यहूद नसारा से सब के लिए ये है फ़ैफ़ हनीफ़ी, तो अपने इस्लामी भाई से भला क्यों नहीं होगी तो जब सबके साथ अच्छे ढंग से गुफ्तु करनी है तो अपने मुसलमान भाई से और वो भी किसी दीनी मसले में किसी इल्मी मसले में गुफ्तु करनी है तो कौल हसन का वहाँ इस्तेमाल भला क्यों नहीं होगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इससे बाबुल मुस्लिम फसूकन वफरन मुसलमान आदमी के साथ गाली गलोच करना ये फिस्क है ये मासीत का काम है और उससे लड़ाई करना कताल करना ये कुफर का काम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि लायु मिन वहदुकुम हत्ता युहिब्बल अखीहि मा युहिब्बल नफ्सिही उम्मे का कोई शख्स उस हद तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए वही न पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है कोई आदमी अपने लिए नहीं पसंद करता कि कोई दूसरा उसकी शख्सियत को निशाना बनाए कोई दूसरा उसको जलील करने की कोशिश करे कोई नहीं चाहता तो दूसरा वही भी यही चाहता है कि उसको भी कोई जलील ना करे उसके साथ कोई ज़बान दराज़ी ना करे सहाबा کرام के दरमियान भी मेरे भाइयों इख़्तिलाफ़ होता था और बड़े बड़े मसाइल में अख्तलाफ होता था इन इख्लाफा को बहुत से लोगों ने अलग से इकट्ठा कर दिया है किताबों के अंदर एक मिसाल सिर्फ मैं आपके सामने रखता हूँ किलाम्क्न में इब्ने इबन रहमतुल्लाह रमतल ने ज़िक्र किया है कि हज़रत उमर रजी तआला तहो और अब्दुल्ला बिन मसूद रजी तआला तहों के दरमियान सौ तकरीबन सौ मसाइल में अख्तिलाफ कितने मसाइल में सौ मसाइल में अख्तलाफ लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे का कितना अदब करते थे कितना एहतराम करते थे सौ मसले में इख्तलाफ के बावजूद ये अख्तिलाफ कभी उनके दिलों को मुतासिर नहीं कर सका इसलिए कि वो अपने वास्ते नहीं उनका अख्तिलाफ था मसाइल को समझने में दोनों ही इस्लाम ही की खातिर वो सब कर रहे थे इसलिए दोनों के दरमियान मोहब्बत थी दोनों एक दूसरे का अदब करते थे एहतराम करते थे हजरत उम्र रजील्ला तो खलीफा थे उनके खिलाफ में जिंदगी गुजार रहे थे तो दोनों के दरमियान कितनी मोहब्बत और रवादारी थी इसको समझने के लिए देखिए कि हजरत उमर रजील्लाह ने अब्दुल्ला बिन मसूद रजील्ला को कादसिया भेजा कादसिया एक इलाका है तो वहां भेजा और उस मौके पर हज़रत इब्ने मसूद के लिए जो तारीफी कलेम कहे कहा कि कनी फन वहीदिया और फिक का पेटारा है फ्र का पेटारा है इमो फिक्र की गठरी है मैं कादसिया के हवाले करता हूँ अहल कादसिया के हवाले करता हूँ उनको मैंने इल्म की ये गठरी उनके सामने पेश की है उनको भेजा है आ, कादसिया के इलाके में तो ये हजरत उमर सौ मसले में मसूद के साथ इख्तलाफ रखते हुए उनकी तारीफ करते हैं दूसरी तरफ अब्दुल्ला बिन मसूद रजील् भी हजरत उमर का वैसे ही एहतराम करते थे जब हजरत उमर का इंतकाल हुआ तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजील्ल तैन बहुत गंभीर हुए और उस मौके पर आपने फरमाया कि कान अल इस्लामी

अब्दुल्ला बिन मसूद ही का वाक्य है कि उनको बतलाया गया हज़रत रज़ी अल्लाह के ज़माने खिलाफत में बतलाया गया कि हज़रत रज़ी अल्लाह हज़रतमान रजील तनोना में चार रिकात नमाज पढ़ाते हैं हालांकि मिना में हज के दौरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो ही रिकायत नमाज पढ़ाते थे जब यह खबर मिली हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह रजील्ला को तो उन्होंने कहा कि इन्ना व इन्ना पढ़ा यह खबर सुन करके अब हज़रतमानजील्ला का इस सिलसिले में बहरहाल कोई इस्तलाल रहा होगा उनका कोई नुक़ नज़र रहा होगा जिस नुत नज़र से अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ील् तै को इत्तफ़ाफ़ नहीं था इसलिए उन्होंने अनना पढ़ा और कहा कि मैंने अल्लाह के नबी सल्हलम के साथ में नाम दुर नमाज़ पढ़ी मैंने हज़र बकर रज़ील तुके साथ में नाम दुर पढ़ी मैंने हज़रत उमर रजील् तौन के साथ मै नाम दुर पढ़ी तो काश की इस चार रकात के बजाय मेरी दो रक़ात ही मकबूल हो यह बुखारी के अंदर रवायत मौजूद है बाद में क्या हुआ इन लोगों ने देखा कि हजरत बिन मसूद रजी अल्लाह हज़रत अबी तुम हजरतान रजील्ला के पीछे मिना में चार रकात नमाज पढ़ रहे हैं दो रकात के बजाय हजरत बजायस्मान की इमामत में चार रकात नमाज अदा कर रहे हैं उनसे पूछा गया कि आप तो इससे मुतफक नहीं थे और आप यही काम करने लगे तो उन्होंने इस मौके पर कहा कि बाद में कि इस तरह से नुमा करना मैं अपना अलग से नमाज पढ़ू और इख्तिलाफ जाहिर करूँ तो ये अच्छी चीज नहीं है कभी कभी हमत का तक होता है किसी चीज को ज्यादा बेहतर समझने के बावजूद उसको इख्तियार नहीं किया जाता है उस पर अमल नहीं किया जाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी की रवायत कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को मुखातब करके फरमाया था अगर आयशा तेरी कौम इसका जमाना इस्लाम से करीब ना होता तो मैं इस काबा को गिरा करके दोबारा उसकी तामीर करता और उसके दो दरवाजे बनाता एक दाखिल होने के लिए और एक निकलने के लिए खान काबा के अंदर एक दरवाजा था आज भी एक ही दरवाजा है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलात इसी में समझते थे कि खाने की को की असर तामीर की जाए और उसके दो दरवाजे बनाए गए लेकिन चूंकि कहा कि के लदीसुफरिन क्यूंकि अभी लोग नए नए इस्लाम लाए हैं कुरेश के लोग खाना काबा की बड़ी ताजीम करते थे अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते तो हो सकता था कि वो भड़क जाते हो सकता था कि वो इस्लाम से दिल बर्दाश्त हो जाते इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मुनासिब समझने के बावजूद किया नहीं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस पर जो वान लगाया है वो ग़ौर करने का है ये है कि बाब व बाबो मंतर कबाज अल अख्तियार मखाफतरफहम बा हो फ ऊफ़ी हो कि ये बयान है उस चीज़ का कि बाज बेहतर चीज़ को छोड़ दिया जाए इस खौफ से कि लोगों का फहम उसको समझने से कासिर हो तो वो उससे बड़ी खराबी में मुबला हो जाए इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह का काम दुरुस्त समझने के बावजूद कभी हिकमत का तकाजा होता है कि उसको अपनाया ना जाए इसीलिए अल्लामा इब्ने हजर ने इस हदीस की तशरी करते वक्त लिखा है कि वही इसफ़ाद उमिन हो तरकमसलूफ़िल्मसदा उमिन हो तरको इनकार्मनकर ख़शियतलवनकर हो कि इस हदीस से ये मुस्तफ़ाद ये होता है कि कभी कभी मसलहत को छोड़ना पड़ता है दुरुस्त चीज़ को ज्यादा दुरुस्त चीज़ को छोड़ना पड़ता है क्योंकि फितना फसाद का खौफ होता है और इसी की एक शिक ये भी है कि कभी कभी इनकार मुनकर को छोड़ना पड़ता है इसलिए कि यह डर होता है कि कहीं इससे बड़ा मुनकर ना सामने आ जाए कोई मुनकर है कोई गलत चीज है अगर उस पर नकीर करेंगे तो हो सकता है कि उससे भी बड़ा मुनकर सामने आ जाए मसलन लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा फैल जाए एक कोई गलत चीज थी उसको हटाने की या उसको खत्म करने की आपने कोशिश किया तो पता चला कि उससे ज्यादा खराबी पैदा होगी तो अम्र बिलमारूफ और नह अनिल मुनकर का, का काम भी उसके भी आदाब है उसके भी जवाबित हैं ये नहीं कि आ, हम ये सोचें कि हाँ जब यह चीज़ सही है तो क्यों नहीं इसको हम करें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन रहा को मुनकरण फल्यु ही इलाक़ रही तो हम इसको ताकत रखते हैं इसको अपने हाथ से ख़त्म करने की हम करें नहीं अगर हमको लगता है किसी को लगता है कि इस बुराई के इज़ाले से कोई इससे भी बड़ी बुराई पैदा हो जाएगी तो वहाँ मसलहत का तकाजा ये है एकमत का तकाजा ये है कि उसको फ़िलहाल छोड़ दिया जाए इसीलिए इसीलिएबन ने इनकार मुनकर के चार दर्जात बतलाए हैं उन चार दर्जात में से दो दर्जात को गलत कहा है और ख़ास तौर से ये कहा है कि जब इनकार मुनकर से उससे बड़ा मुनकर सामने आने वाला हो इसका इम्कान हो तो वहाँ इनकार मुनकर हराम के दर्जे में मेरे भाइयों भाइयोंबन तयमिया का एक रिसाला है बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पर छोटा सा रिसाला है उस रिसाले को पढ़ना चाहिए उसमें बड़ी अच्छे ढंग से अम्र बिल्माफ और नाह मुनकर के आदाब और जवाबित और कवायद बतलाए हैं और उसमें बड़े अच्छी तरीके से समझाया है कि अम्र बिलमूफ और नाह मुनकर का काम करने वालों को किन किन चीज़ों पर तोज्जो देना चाहिए ऐसा ना हो कि अम्र बिलमूफ और नाह मुनकर का काम बगैर सोचे समझे और बगैर किसी जबते और बगैर किसी कायदे के वैसे ही किया जाना चाहिए नहीं शरीत की सारी नसूस को किताब उसुन की सारी नसूस को जमा करके उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से तजिया किया है और इन आदाब आदाबित का जिक्र किया है अख्तिलाफ के बावजूद एक दूसरे का अहमाम कैसे करते थे लोग अली इब्न मदीनी का एक मरतबा इमाम महमद बिन हम्बल से कुछ अख्तिलाफ हुआ किसी मसले में और उस उसिलाफ के वक्त ज़रा सख्त किस्म का अख्तिलाफ़ हुआ ज़ोर ज़ोर से गुफ्तगू होने लगी बहरहाल जब बासवमबासा ख़त्म हुआ इमाम अहमद बिन हम्बल जाने के लिए खड़े हुए सवारी पर सवार होने के लिए खड़े हुए तो अली बिन मदीनी ने उठ करके उनकी सवारी की लगाम पकड़ ली और इमाम अहमद बिन हम्बल को सवारी पर बैठाने में उन्होंने मदद की कि उस पर बैठे अभी बहसों मुबाशा हो रहा है अभी बहसों तकरार हो रही है किसी दिनी मसले को लेकर के और एहतराम का ये आलम है कि जब वो सवार होने के लिए जाते हैं तो उनको सवारी पर बैठाते हैं तो इख्तलाफ का मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे से दुश्मनी करें इस किसी मसले इल्मी मसले में इख्तलाफ का मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे के पीछे पड़ जाएँ मौलाना अमृतसरी रमोत ला एक बड़े आलिम गुजरे हैं और बड़े मुनाजिर थे शायद ही कोई फ़िरका और कोई मज़हब ऐसा हो जिसके लोगों से उनका मुनाजरा न हुआ हो कादियानियों से बहाइयों से रवाफिस से और इसी तरह से दूसरे अदियान मज़ाहिब से ईसाइयों से और आर्या समाजियों से सबसे उनके मुनाजरे होते थे बसो मुबासे होते थे उनके मुनाजरों को तो इकट्ठा भी किया है बाज़ लोगों ने तो उनका मामला ये था कि स्टेज पर अभी मुनाजरा कर रहे हैं किसी भी कोई पादरी से या किसी पंडित से या किसी भी अपने मुखालब से कादियानी से किसी से मुनाजरा कर रहे हैं बस व कर रहे हैं जब मुनाजरा खत्म होता था तो उस मद्दे मुखालिफ से कहते थे कि आज आपको हमारे घर क्याम करना है रात को और हमारे यहाँ खाना खाना है मुनाजरा कर रहे हैं बसों मुबा कर रहे हैं और दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन ये नहीं कि हाँ दिल में कोई नफरत नहीं मसले के हल के लिए मुनाजरा हो रहा है तो इखलाक का वहां आप मुजाहरा करते थे और फरीक मुखालिफ को दावत देते थे अपने घर क़्याम करने की और ताम की तफसीर सनाई मौलाना नाल अमरसरी रमतल की बड़ी मशहूर तफसीर है बड़ी लाजवाब तफसीर है उसको बार बार पढ़ना चाहिए उस तफसीर में उन्होंने लिखा है ग़ौर करने का मकाम है क्या लिखा है एक जगह लिखते हैं कि ये एक नहायत पाकिज़ा ओसूल है कि मुनाजरे में फरी़ानी के बुज़ुर्गों को उन्हीं लफ्ज़ों से याद किया जाए जिन लफ्जों से हम अपने बुजुर्गों का नाम सुनना चाहते हैं गौर कीजिए कितनी अहम बात कही कहा कि मुनाजरा हो अगर किसी से तो हम सानी के बुज़ुर्गों का नाम उन्हीं लफ्ज़ों से लें ज़िक्र करें जिन लफ्ज़ों से अपने बुजुर्गों का नाम सुनना चाहते हैं यानी हम अपने फरीक़ के उलमा और बुज़ुर्गों का नाम तो बदतमीज़ी से लें और फिर ये तो रखें कि हमारे उल्मा का नाम और हमारे बुजुर्गों का नाम वो लोग तमीज़ के साथ लेंगे तो इख्तलाफ के बावजूद मुनाजरे के बावजूद दूसरे फरीक के लोगों का नाम भी एहतराम से लेने की तरगीबिला रहे हैं आगे कहते हैं मौलाना सरी कि अफसोस की जमाने हाल में इस तरीक़ की गुफ्तगु बहुत कम होती है और जिसका नतीजा जाहिर है मौलाना सर अपने वक्त ही में कह गए हैं कि अफसोस की इस असूल पर अमल नहीं किया जाता और उसका नतीजा जाहिर है कि दूरियां बढ़ रही हैं और दिलों के अंदर दुश्मनियाँ बढ़ रही हैं इसी तफसर सनाई की दूसरी जल्द जब लिखी गई थी तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का इंतकाल हो चुका था मिर्जा ग़ुलाम अहमद कादियानी से बड़े मुनारे किए मौलाना ररी रम्ला ने और आखिरकार मुबाहला उससे हुआ और ये हुआ ये दुआ की गई कि अल्लाह तला हमें से जो झूठा है उस झूठे की मौत हो जाए सच्चे की जिंदगी में और यही हुआ कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की मौत हो गई और उसके बाद 40 साल तक मौलाना अमर जिंदा रहे तो एक जगह लिखते हैं कि ये फिक्र मिर्जा साहब की जिंदगी में लिखा गया था अफसोस कि आज हम उनको जिंदा नहीं पाते मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में दूसरी जिल्द में लिखा गया का मौलाना अमरसरी कहते हैं कि, है कि अफसोस की ये जुमला उस वक्त लिखा गया था जब मिर्जा जिंदा थे मगर अफसोस ये कि आज हम उनको अपने दरमियान नहीं पाते इस तरह की बहुत सारी मिसालें मिलेंगी और आज के उल्मा को तलबा को उन्हें पढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए मौलाना इस्माइल सल्फी गुजराने वाला बड़े आलिम गुजरे हैं और ख़ास तौर से मुनकरीन हदीस से बहुत बस मुबासा उन्होंने किया है मुनकरीन हदीस के रद में उनकी बड़ी सारी तहरीरें मौजूद हैं लेकिन बड़ी शाइदा तहरीरें थीं बड़ी फिक्री तहरीरें और अदबोराम की चाशनी में डूबी हुई तहरीरें होती थी इनका हाल ये था कि एक मरतबा खुजाज को रवाना करने के लिए लाहौर के स्टेशन पर बहुत सारे लोग आए थे ये भी थे उसी दौरान नमाज का वक्त हो गया वहीं स्टेशन पर एक तरफ सफ़ लग गई लोग खड़े हुए मौलाना इसमाइल सल्फी को आगे बढ़ा दिया कि आप नमाज पढ़ाइए मौलाना जैसे मुसल्ले पर पहुंचे और अल्लाह अकबर कहने के लिए तैयार हुए पीछे से एक शख्स कहता है कि मौलाना आपके पीछे हमारी नमाज नहीं होगी मौलाना फौरन अपना रुमाल उठाते हैं अपने कंधे पर डालते हैं पीछे चले आते हैं और उस शख्स से कहते हैं कि आप नमाज पढ़ा दीजिए आपके पीछे हमारी नमाज हो जाएगी वो आदमी बहुत शर्मिंदा हुआ ये देख करके सुन करके माफी मांगी और कहा कि नहीं मौलाना आप ही को नमाज पढ़ाना गौर कीजिए आज का वक्त होता और आज का माहौल होता तो क्या होता कि हम फौरन अपने लोगों को लेकर के अपनी जमात अलग बना लेते और कहते कि जाओ तुम्हारी नमाज जिसके पीछे होगी उसके पीछे नमाज पढ़ो हम अपने लोगों को लेकर के अपनी नमाज पढ़ते मोहतरम हजरात दो किताबों का आखिर में मैं तस्करा करना चाहता हूँ अल्लाम रमत का एक छोटा सा रसाला है रफर अनिल अनिलआम आलम अनिल मतिल आलम की माए इजाम की तरफ से मलामतों को दूर करना बड़े बड़े के बारे में ख़ास तौर से आईमा अरबा वगैरह के बारे में बाज़ मसाइल को देख के जो ये समझ में आता है कि उन्होंने इस मसले में हदीस को छोड़ करके कोई और कौल इख्तियार किया इस तो इस इन सब चीज़ों का उजर तलाश किया है शेख उम अबिनतम रहा आमाजरत पेश की है कि हो सकता है कि इस हदीस को इख्तियार इस, इस वजह से ना किया हो इस वजह से ना किया मिसाल के तौर पर हो सकता है कि उनको यह हदीस नहीं पहुंची थी इसलिए उन्होंने इस हदीस को तो इख्तियार नहीं किया कहा कि हो सकता है कि यह हदीस उनको पहुंची हो मगर जयीफ तरीक़ से पहुंची हो इस वजह से उन्होंने इसको इख्तियार नहीं किया या हो सकता है कि हदीस पहुंची हो लेकिन उसके मनसूख होने का वो अकीदा रखते रहे इस तरह से बहुत सारे आजार जिक्र किए हैं और बतलाया है कि कोई आलिम दानिस्ता तौर पर कोई मोतबर आलिम दानिशता तौर पर कोई हदीस नहीं छोड़ सकता ये उसके इल्म और उसके तकवा के खिलाफ है कितनी बड़ी बात है ये चीज की रमतल ने इस मसले को उभारा और तमाम की तरफ से माजरत पेश की इसी तरह नवाब सिद्दीक हसन खान रमत का एक रसाला है जलबुल्बिल ये किताब तो फारसी में है लेकिन इसका उर्दू तर्जुमा हो चुका है उस तर्जमे को भी पढ़ना चाहिए नवाब साहब ने इस किताब के अंदर भी उसी उसलूब में अपनी बात रखी है और बतलाया है कि किस तरह से अख्तिलाफी मसाइल में अदबोत को मलहूज रखना चाहिए आखिर में एक बार फिर हम तमाम तलबा और इल्म दावत से वाबस्ता लोगों से यही दरख्वास्त करेंगे कि इल्मी मसाइल में अख्तिलाफ हो तो इख्तलाफ को बरतते वक्त या अख्तिलाफी मसाइल में गुफ्तू करते वक्त सामने वाले की शख्सियत का एहतराम करें उसकी शख्सियत को मजरू ना करें सख्त कलामी ना करें बल्कि मकसद ये हो मसले को वाजहे करना मकसद हो न तो अपने आप को नुमाया करना हो न सामने वाले को जलील करना मकसद हो अल्लाह रबुलामी ला हमें, हमें हमारे दिलों के अंदर खलूसता फरमाए और हमें इलमी मसायल को सही ढंग से समझने की तोफ़ी अता फरमाए हर मुसलमान की मलहूज रखने की तोफ़ी फरमाए العالمين ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।